Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTuition's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know that we have started this channel for promote a quality education in Pakistan, and from our website and from our channel you get each and everything which is related to your concerned subject practice for the exams, board exams. Dear students, right now we have started first year mathematics SIN board, and right now we are on a chapter number 4, which is sequence and series, and we have started exercise number 4.3. Right now I'm sharing a screen with you. Without wasting our time, we will move to our lecture right now, dear students. So here we go. We have sequence and series exercise 4.3. iski theory to main aapko pehle karwa chuka tha 4.2 ke sath. Right now move karte hain. Question number 1 ki taraf. Find the arithmetic mean between 18 and 26. What? Find the arithmetic mean between 18 and 26. To isko hum solve karenge. Bahut hi aasan jo hai wo question hai. 18 aur 26 ke darmiyan mein humne kya hai isko find out karna hai. To a kya hai mere paas? A is equal to 18. Theek hai? Because dekhen a kya hai, a in general jo a hai wo aapke paas hai a plus b divided by 2. ठीक है, तो अब a क्या होगा मेरे पास? 18 plus 26 divided by, यहाँ पे क्या है? a plus b divided by what? Divided by 2. ठीक है, 18 plus 26 है, ठीक है, divided by 2 है, और a हमारे पास क्या है जी? a is equal to 22. a क्या होगा हमारे पास? 22 है. यही तो हमने find out करना है, arithmetic mean. ठीक है जी. डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है वो ये क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मींस बिटवीन 3 एंड 11. ठीक है, अरिथमेटिक देखें, अरिथमेटिक मीन है इंसर्ट करने 3 अरिथमेटिक मींस बिटवीन व्हाट? बिटवीन 3 एंड 11. तो ये हमने करना है. अरिथमेटिक मीन का फार्मूला तो डेफिनेटली आपको मालूम है, अभी हम क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं. तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 3 अरिथमेटिक मींस जो है इसके अंदर इंसर्ट करने हैं. तो हियर वी गो. तो हम इसको मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ. देखें कुछ इस तरह, देखें 3 है, a1 है, ये कॉमा है 3 a1, ठीक है, कॉमा a2, कॉमा a3, कॉमा a3 के बाद क्या है 11 r व्हाट क्या है? r इन ap, r इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, a इज इक्वल टू व्हाट? a क्या है हमारे पास? 3 है. ए एन क्या है? 11 है. एन क्या है? 3 है. एन क्या है? 3 प्लस 2 है इज इक्वल टू 5 है. ठीक है, और इसमें अब ए एन क्या होगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी है. ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी है. ठीक है, अब जो है वो 11 इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू 5, 3 प्लस इंटू 3 प्लस के बाद क्या है 5 माइनस 1 इंटू डी है. ठीक है, उसकी 5 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, 5 माइनस 1 इंटू डी, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 डी. ठीक है, उसके बाद डी इज इक्वल टू क्या है? 8 अपॉन 4 है. ठीक है, 8 अपॉन 4, और विच इंप्लाइज दैट व्हाट क्या? डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है जी, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. अब ए वन जो है वो हमारे पास क्या होगा? ए वन क्या है इज इक्वल टू, ए वन इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, राइट. ए टू क्या है? ए टू इज इक्वल टू 5 प्लस 2. ए टू क्या है जी? 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7. अब जो है ए थ्री फाइंड आउट करना है. ए थ्री में क्या है? 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा. ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. Insert 4 AM's arithmetic means between under root 2 and 12 upon under root 12. थोड़ा सा उस question से different है second one से, है बिल्कुल approx वैसे ही. ठीक है, देखिए इसी तरीके से क्या हुआ, series बना ली A1 A2, let कर रहा हूँ A3. ठीक है, A1 A2 और क्या है जी A3 and क्या है जी A4. A4 क्या है जी B3 arithmetic
मीन, ठीक है, थ्री अरिथमेटिक मीन है। इसमें अंडर रूट क्या है जी, टू है, अंडर रूट टू कॉमा ए वन कॉमा ए टू, ए वन कॉमा ए टू, ठीक है, ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री कॉमा, ठीक है, ए फोर, ए फोर के बाद क्या क्या है, 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू है, ठीक है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। ऐसे हो गया, इसमें अब ए क्या है मेरे पास, अंडर रूट टू हो गया, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, 12 अपॉन अंडर रूट टू, ठीक है, 12 अपॉन अंडर रूट टू, एन क्या है मेरे पास, ए एन क्या है मेरे पास, ये हो गया, एन क्या है मेरे पास, डियर स्टूडेंट्स 4 है, एन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, ऐड होंगे दोनों, अब उसके बाद 6 हो जाएगा, फार्मूला क्या है जी, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, फार्मूला डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया है कि क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस इंटू 6 माइनस 1, ठीक है, 6 माइनस अंडर रूट टू 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इस तरह हो गया 12 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस 1 के बाद क्या अपॉन टू, ठीक है, अपॉन टू इज इक्वल टू अंडर रूट का यहाँ पे 2 होगा प्लस 6 माइनस 1 करेंगे, ठीक है, 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ ताकि स्पेस बन जाए थोड़ी सी, ठीक है, यहां तक तो हो गया आपके पास क्वेश्चन। अब क्या करूंगा, 12 बाय 2 है, ठीक है, अब जो है वो अंडर रूट टू है, इस तरफ आएगा प्लस माइनस होगा तो हमारे पास इस तरफ हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 12, ठीक है, 5d इज इक्वल टू 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट का 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और विच इम्प्लाइज दैट 5d, ठीक है, 5d हो जाएगा, और इज इक्वल टू 5d किसके है, 5d इज इक्वल टू 10 अपॉन अंडर रूट 2 है, ठीक है जी, इस तरह हो जाएगा। फाइनली जो है इसको हम प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड होने के बाद डी क्या है मेरे पास, अंडर रूट का 2 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन अंडर रूट 5 एंड 4 अंडर रूट 5, ठीक है, क्या करना है हमने जी, इसमें ये पुटअप करना है, ठीक है, कितने करने हैं, 5 5 करने हैं, और प्रीवियस वाले में हमने कितने करने थे, 3 करने थे, अब तो आप कर लेंगे, देखें अगर मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, यहां तक जब आप डी को फाइंड आउट कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाकी तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपने ये देखें इस तरीके से डी जब आप फाइंड आउट कर लेंगे, मैं करवा देता हूँ ये एनी हाउ, ये मैंने आपको बताया मैं प्रीवियस क्वेश्चन में, ए वन जैसे आप फाइंड आउट करना है, उसमें कितना कह रहा है, इंसर्ट 4 करना है, ए वन है तो अंडर रूट टू उस फॉर्मूले में पुट अप करूंगा, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अंडर रूट 2, ठीक है, ए ए टू जब फाइंड आउट करूंगा तो उसमें क्या होगा, 3 अंडर रूट 2, ए फोर में इस तरह ए ए टू क्या होगा, वो आपके पास 3 अंडर रूट 2, ए थ्री में ए जो है 3 अंडर रूट 2 है, इसमें क्या है जी 4 अंडर रूट 2 है, ए फोर में ए फोर इसमें जो है 3 में 3 3 में जो है 4 अंडर रूट 2 है, और 4 में 5 अंडर रूट 5 होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको प्लस माइनस करके ऐड करते जाना है, 2 2 शुरू में लगाएंगे, जहां पे 1 लगाया था देखिए यहाँ 1 लगा था, नेक्स्ट वाले में इसी तरह से करेंगे, इसी तरह से जैसे 1 एक करवा के दिया मैंने, तो यहाँ पे 1 लगा हुआ है, वहां पे नेक्स्ट में 2 लगा के प्लस माइनस करेंगे, तो इस तरह सोलव ये सोल्व होता जाएगा, ठीक है जी। 5 के बाद क्या है जी, 4 करेंगे, 4 में इंसर्ट 5 एम्स बिटवीन अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड 4 अंडर रूट 5, ठीक है, 4 है, 4 क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही होगा अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसके इसके अंदर कोई ऐसी डिफिकल्ट जो है वो चीज नहीं है, एनी हाउ मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बता देता हूँ, देखें ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 5, मैं डी तक निकाल के आपको दे देता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन तक ही होगा, डी से आगे जो है आप वैसी वैल्यू को जो है वो पुट अप कर लेना, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा ए एन, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 5 है, ठीक है, 4 अंडर रूट 5 एन इज इक्वल टू 5 है, प्लस
प्लस का 2 है इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। अब उसके बाद ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज होगी इंटू डी है, ठीक है। अब 4 जो है वो अंडर रूट 5 है, ठीक है। 4 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ठीक है। 4 अंडर रूट 5 है, ठीक है। 4 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 7 माइनस 1 है, ठीक है। प्लस का 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ब्रैकेट क्या हुआ, क्लोज हुआ। 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे जो है वो 7 माइनस क्या था, 1 था, ठीक है। 7 माइनस 1 इंटू डी था, ठीक है। और यहाँ पे 4 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट का जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60 होगा, ठीक है जी, 60 हो गया। तो फिर जो है फाइनली डी मेरे पास क्या आएगा, 7 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। जब डी आ जाएगा फिर ए वन वैसे ही फाइंड आउट कर लें, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन आपको इस तरह फाइंड आउट होगा, देखें ए वन क्या होगा अंडर रूट का आपके पास क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। प्लस का 7 अंडर रूट 5, प्लस का 7 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय 12 होगा, इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 5, ठीक है। इज इक्वल टू 6 क्या है, 6 अंडर रूट ए वन क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 6 अंडर रूट 5 करूंगा यहाँ पे, ठीक है। 6 अंडर रूट 5 है, ठीक है जी। प्लस का 7 अंडर रूट 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय व्हाट, 7 अंडर रूट 5 के बाद क्या डिवाइडेड बाय 12 है, इज इक्वल टू 13 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। ये हो गया, अब सो ऑन, आपने ए टू ए थ्री करना है, आपका असाइनमेंट है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको आपने करना है, बिल्कुल ईजी है। इसी तरीके से सो ऑन जो है ये तमाम क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से सॉल्व होते जाएंगे। ए फाइव में क्या है, देखें इसमें 6 है, उसमें 5 था, किसी में 3 है, बिटवीन किसके करना है, दो दो वैल्यूज जो है वो आप लोगों को बताई जा रही है। अब डी जो है असल में जो है वो प्रॉब्लम होता है फाइंड आउट करना, तो मैं आपको डी की वैल्यू जो है वो बताया था कैसे दे, देखें इसमें पहले ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू माइनस 30 है, ए एन हमारे पास क्या है 30 है, ठीक है। एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। 6 प्लस क्या है 2 है, इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, इज इक्वल टू 8 है। अब क्या है जी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। इस तरीके से हो गया, उसके बाद क्या है 30 इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस इंटू 8 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 8 माइनस 1 के बाद 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 है, ठीक है। और 70 इज इक्वल टू 60 विच इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें वही ए वन फाइंड आउट करेंगे, सो ऑन, जितना भी फाइंड आउट करना है ए वन एक निकाल के आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से होगा। 60 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू माइनस 150 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू माइनस 150 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। इस तरीके से ए वन है, सो ऑन जो है वो आप फाइंड आउट करते जाएंगे, ए टू ए थ्री फोर सो ऑन जो है वैल्यूज इसके अंदर आपने सिंपली क्या करना है, पुट चेंज करते जाना है वैल्यूज जो जो होंगी उस वक्त, तो वो आपने सिर्फ क्या करना है, सिंपली इसमें पुट अप कर देनी है, ठीक है जी। ये 60/7 है, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स इस तरह आपने ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6 है जी। If 5 and 8 are two AMs between arithmetic means between C and D, find C and D. ठीक है, ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन की लेंथ छोटी है, काफी इंपॉर्टेंट है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें C हमारे पास क्या है जी, C हमारे पास 5 है कॉमा 8 है कॉमा D है आर इन arithmetic progression है, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, C है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास वो है सी है, लास्ट हमारे पास टर्म क्या है जी वो डी है, एन इज इक्वल टू 4 है, डी इज इक्वल टू क्या है जी, डी इज इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा 5 माइनस सी, ठीक है, और 3 इज इक्वल टू 5 माइनस सी इज इक्वल
which implies that क्या होगा हमारे पास c is equal to 5 minus 3 which is implies that c is equal to 2, ठीक है, c is equal to 2 होगा, ठीक है, common difference d minus 8, कॉमन डिफरेंस क्या है जी, टी माइनस एट है, ठीक है जी डियर स्टूडेंट, इस तरीके से कॉमन डिफरेंस मेरे पास इसमें आ जाएगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जब आ जाएगा वो यहाँ पे इस तरीके से होगा कि कॉमन डिफरेंस के बाद डी माइनस, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, डी माइनस एट इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू 3 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा डी हमारे पास डी इज इक्वल टू 11, इस तरह होगा d इज इक्वल टू 11, ठीक है, d इज इक्वल टू 11, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, ठीक है, 6 तो हम कर चुके हैं, ठीक है, और ठीक है ये 6 है, ये इसको आप स्किप कर दीजिएगा, ये जो है वो एक जो है वो एक्स्ट्रा है 6 में, ठीक है, दिस वन इज, ठीक है, 6 तो हम कर चुके हैं, इसको जो है वो आप स्किप कर दें, ठीक है, 7 की तरफ जो है वो मूव करते हैं, 7 क्या है हमारे पास, 7 है फाइंड एन सो दैट ए एन जो है वो सो दैट ए इनटू ए एन प्लस 5 प्लस बी एन प्लस 5 डिवाइडेड बाय ए एन प्लस 4 पावर है प्लस बी एन प्लस 4 में बिकम द एथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए एंड व्हाट, ए एंड बी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, एथमेटिक जो है वो मीन आपके पास इसका क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है, अब इसमें जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से है जी, इसमें फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ए एन प्लस 5, ठीक है, एन प्लस 5 है, ठीक है, प्लस क्या है जी बी एन प्लस 5, ठीक है, ये तो आपको गिवन है, ए एन प्लस 4 प्लस बी एन प्लस 4 इस तरीके से है, और इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट इसमें हमने करना है, तो फर्स्ट यू कर लेंगे 2 ए एन प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे एन प्लस 5 है, ठीक है, प्लस 2 जो है वो 2 बी एन प्लस 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस क्या है जी बी है इज इक्वल टू ए और एन प्लस 4, ठीक है, प्लस बी इंटू एन प्लस 4, ठीक है, इस तरह हो गया, अच्छा सो ऑन इसको करेंगे तो फिर जो है प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ए इंटू ए एन प्लस 4 इस तरह करेंगे, एन प्लस क्या है जी 4 है, प्लस बी इंटू बी एन प्लस बी इंटू बी एन प्लस क्या होगा 4 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी एन प्लस 4 होगा, ठीक है, ए बी एन प्लस 4 प्लस ए का क्या है एन प्लस 4, ठीक है, इस तरीके से हो गया, सो ऑन करेंगे और फिर इसमें मजीद एक स्टेप ऐड करेंगे, देखें और नोट्स में तो डिटेल में होगा, यहाँ पे ये है कि मैं डायरेक्ट इसमें कुछ स्टेप्स करवा रहा हूँ, ए इंटू एन प्लस 4 हुआ, ठीक है, माइनस का बी इंटू एन प्लस 4 हुआ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस बी है इंटू ए इंटू एन प्लस 4 है, ठीक है, माइनस बी इंटू एन प्लस 4 है, ब्रैकेट क्लोज हुई, इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल क्या हुआ, इज इक्वल टू 0 हुआ, अब क्या है जी ए इंटू एन प्लस 4 है, ठीक है, माइनस बी इंटू एन प्लस 4 है, ठीक है, ये इस तरीके से हमने करना है, ए क्या है एन प्लस 4 है और माइनस का बी इंटू एन प्लस 4 है, वो इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और उसके बाद क्या है ए इंटू एन प्लस 4 करेंगे जब तो फिर क्या होगा, जब 0 था अब इसमें क्या है इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा एन प्लस 4, ठीक है, अब यहाँ पे मैं 9 लगा लेता हूँ ताकि बाकी स्टेप इधर कर सकें, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ अब हमने बाकी स्टेप्स करने हैं, यहाँ तक हो गया, अब देखें फाइनली जो है वो मेरे पास क्या होगा, एन प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एन इज इक्वल टू -4,
ठीक है जी, ऐसे होगा डियर स्टूडेंट्स। होप सो लेक्चर को एंजॉय किया होगा आपने। यही लास्ट क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस करें, क्विजेस को देखें, इसके फ्रेंड एंड फैमिली के अंदर चैनल को जरूर शेयर करें, टू प्रमोट अ क्वालिटी एजुकेशन, टू प्रमोट अ एजुकेशन इन अ पाकिस्तान। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आए, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर वहाँ मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, वहाँ पे आपकी रहनुमाई करेंगे। वी ट्यूशन की वेबसाइट को साइन अप फ्री में करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन के ऊपर और टिकटॉक पे हमें प्लीज फॉलो करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशन लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बनाए, अल्लाह हाफिज।